हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुमन नायक और आप देख रहे हैं हिंदी टेक गाइड। तो दोस्तों आज हम लोग बताएंगे कोई भी कस्टम डोमेन नेम, कस्टम नेम अपनी ब्लॉग के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो हिंदी टेक गाइड डॉट नेट डॉट इन, यहाँ पे जैसे देखो मेरा जो ब्लॉग पोस्ट था पहले, ठीक है, वो क्या था, टेक गाइड यूट्यूब डॉट ब्लॉग पोस्ट डॉट कॉम ऐसा था। बाद में मैंने उसको क्या किया, मैंने एक कस्टम डोमेन लिया, ठीक है, जो है www.techguideindia.com। ठीक है, तो कनेक्ट हुआ। अभी अगर हम लोग ब्लॉग पोस्ट कोई ओपन करेगा मेरा, तो techguideindia.com नाम से ही ओपन होगा, उसी नाम से ही आएगा, कोई सर्च करेगा तो उसी नाम पे ही आएगा। तो आज मैं आपको सबसे आसान तरीके में बताने वाला हूँ कि हम लोग कैसे कस्टम डोमेन नेम अपनी ब्लॉग के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके लिए आपको कोई हार्डकोर प्रोग्रामिंग या HTML नॉलेज का जरूरत नहीं, कोई पॉइंट करना नहीं पड़ेगा, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में जाके आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, कोई कंट्रोल पैनल सी पैनल आपको ओपन नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक बार याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी वीडियो के नीचे दिया हुआ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों मेरे हर वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल बटन में तो जरूर क्लिक करना। ओके, जब भी आप अपना ब्लॉगर ओपन करते हो तो ऐसा कुछ आपको दिखता है, ठीक है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे सेटिंग पे जाओ। सेटिंग पे जाके जब भी आप सेटिंग पे जाओगे बेसिक में, ठीक है, आपको यहाँ पे ब्लॉग का नेम और यहाँ पे पब्लिशिंग बोल के एक ऑप्शन है जिसमें ब्लॉग एड्रेस रहता है। ठीक है, इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, बाद में चेंज भी कर सकते हो, पर हम लोग क्या यहाँ पे ऑप्शन है थर्ड पार्टी। अगर आप दूसरा कहीं से अगर आपका कोई कस्टम डोमेन नेम है उसको आप यहाँ से कनेक्ट करना चाहते हो यहाँ पे, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो अगर आप गूगल से खरीदना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सबसे अच्छा है आप गूगल से खरीद लो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा कनेक्ट हो जाएगा आपकी ब्लॉग के साथ। ठीक है, वो सबसे बेस्ट है, मैंने भी वही किया, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, सिंपल बाय डोमेन इसमें आप क्लिक करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा किस नाम का जो आप डोमेन लेना चाहते हो, कौन सा डोमेन नेम अवेलेबल है, किसका प्राइस क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्री न्यू वीडियो एंड डॉट कॉम ऐसा करके बहुत सारा है, तो आपको जो चाहिए आप देख लो, ठीक है, आपके हिसाब से, तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टॉक फुटेज डॉट कॉम अवेलेबल है, देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत सारा है, तो आप यहाँ से कस्टमाइज कर लो, जो आपको चाहिए वो आप खरीद लो। सपोज मैं एक खरीदना चाहता हूँ तो यहाँ पे बाय। इसके बाद दोस्तों जो स्टेप एकदम सिंपल है, जैसे जैसे प्रोसेस आएगा आपको बस आपका जो घर का एड्रेस है, आपका जो पेमेंट डिटेल्स है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसा करके अभी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ऑटो रिन्यूअल, ठीक है, मतलब हर साल आपका पैसा ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, ऐसा अगर चाहते हो तो करो, नहीं तो स्किप कर दो। ठीक है, यहाँ से कुछ खरीदना चाहते हो तो अगर चाहते हो कि जीमेल वगैरह का जीमेल खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे एड कस्टम ईमेल कर दो, नहीं तो यहाँ पे नो थैंक्स कर दो। अब आएगा पेमेंट का ऑप्शन, ठीक है, आप पेमेंट कर दो और तो आपका जो डोमेन है वो खरीदा जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा और सिर्फ 1 से 2 घंटे लगता है एक्टिव होने में, तो आपका जो ईमेल आईडी है एक्टिव हो जाएगा और ऑटोमेटिकली पॉइंटेड हो जाएगा आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है उसके साथ। तो दोस्तों ये था वीडियो कैसे आप कस्टम डोमेन खरीदोगे अपनी ब्लॉग के लिए। ओके दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक बार लाइक और इस वीडियो को शेयर कर देना, और दोस्तों इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं जरूर आपका कमेंट के रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों मैं ऐसा वीडियो लेकर आते रहता हूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन में दिया हुआ हिंदी टेक गाइड लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो मैं कुछ वीडियो अपलोड करूंगा और आपसे मिस हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।